हम इस वीडियो के अंदर जाने के कि अप स्टॉक के अंदर आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हो लिमिट ऑर्डर लगाने के क्या बेनिफिट है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले फ़ंड ऐड करना पड़ेगा अप इस्टॉक के अंदर कर लिया है तो अच्छी बात है नहीं किया है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाके आप फंड एड कर सकते हो ठीक है तो मैं बैक आ जाता हूँ और जानते हैं कि लिमिट ऑर्डर कैसे आप लगा सकते हो तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले शेयर को बाय करना पड़ेगा बाय कैसे करना है तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है मैं एज ए एग्जाम्पल आपको आइडिया का शेयर बाय करके बताता हूँ और आपको इस पर लिमिट ऑर्डर लगा के बताता हूँ लिमिट ऑर्डर का बेनिफिट क्या है कि सपोज़ के अगर आपका शेयर जो है चौदह रुपये का है और आप चाहते हो कि उसको ग्यारह रुपये में बाय करें तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर कि जब ग्यारह रुपये ये प्राइस आएगा तो आपका ग्यारह रुपये में ये प्राइस मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वोडाफोन पे मैं टेप करता हूँ टेप करने के बाद यहाँ पे देखिए बाइक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो ये रहा आपको आपको सिंपली इस पे टेप करना है टेप करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लेना बाय करने से पहले कि यहाँ पे तेरह पॉइंट सिक्सटी वन पैसे चल रहा है मतलब थर्टीन पॉइंट सिक्सटी वन या सिक्सटी टू अप एंड डाउन हो रहा है और आप चाहते हो कि इसका जो प्राइस है बारह रुपये आए और मैं इसको बाय करूं तो इसके ही ये ही बेनिफिट है इसको ही हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ अमाउंट और क्वांटिटी का दो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो मैं क्वांटिटी में कस्टम करके एक शेयर को बाय कर लेता हूँ अब यहाँ पे देखिए मार्केट रेट और लिमिट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जब आप मार्केट रेट पे मतलब मार्केट प्राइस पे टेप करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है मार्केट और लिमिट हमें फ़िलहाल लिमिट लगाना है तो लिमिट पे टेप करूँगा मैं टेप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे टेप करना है कंटिन्यू पे टेप करोगे अब आप अपनी लिमिट इसके अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हो ठीक है अभी थर्टीन पैसा यहाँ पर प्राइस चल रहा है इसका तो आप लिमिट कितना लगा सकते हो इन दोनों के बिटवीन ही आप लिमिट लगा सकते हो और यहां पे आपको वेलिड फोर डे आप कितने डे तक लगा सकते हो ये नया फ्यूचर से आप चाहो तो तीस दिन तक आप इसकी लिमिट लगा सकते हो नेक्स्ट डे आपको मैं बता दूंगी मार्केट साढ़े नौ से साढ़े तीन बजे के बीच में ही खुला रहता है ठीक है तो अगर आप ग्यारह तारीख की लिमिट लगाना चाहते हो कि मतलब ग्यारह तारीख के अंदर अंदर जो ये प्राइस आप सेट करोगे ये एक्जीक्यूट हो जाएगी और आप चाहते हो कि एक महीने तक ये प्राइस रहते हो एक महीने तक भी ये सेट रह सकती है और जो आपकी प्राइस आएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो मैं एक दिन का ही करता हूँ और यहाँ पर मैं बारह पैसे लगा देता हूँ लिमिट ठीक है अभी ये प्राइस क्या चल रहा है गाइस थर्टीन पॉइंट फिफ्टी एट रुपीज़ चल रहा है और अगर ये बारह पॉइंट अट्ठारह पे आता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप यहाँ पे चार्जेस भी देख सकते हो कि कितना आपको चार्ज लगने वाला है तो मैं बारह पॉइंट अट्ठारह पे मतलब लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ और डन पे टेप करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ और कन्फर्म टू बाय करता हूँ और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी अंडर सर्विस लेंस का ऑप्शन अगर आता है तो ये शेयर में रिस्क है यह आपको अलर्ट कर रहा है कि बाय करने से पहले सोच लो तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग शेयर को बाय कर लेना ऑर्डर एनी वे पर करता हूँ मैं और ये जो है ऑर्डर चला गया है पेंडिंग में ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे फिर आपको क्या करना है आपको व्यू ऑर्डर पे टैप करना है अब व्यू ऑर्डर पे आओगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर बता रहा है पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे ये पेंडिंग इसीलिए बता रहा है क्योंकि अगर ये प्राइस अगर आती है बारह पॉइंट अट्ठारह तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अब एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या पे दिखाई देगा यहाँ पे आप जैसे ही स्टॉक में नीचे होगे होम पे आने के बाद तो ये आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा अब देखिए पोर्टफोलियो में जैसे ही आओगे तो आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा फिलहाल आप यहाँ पे ऑर्डर आपने लगाया है लिमिट ऑर्डर तो यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो ऑर्डर्स में चले जाना और ये देखिए आपका ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है अगर ये इसको हीट करता है तो ये यह आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा गाइस यहाँ पे आने के बाद आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो और मोडिफाइड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो तो ऑर्डर कैंसिल कर देना और मॉडिफाई करना चाहते हो आप चाहते हो कि प्राइस इसकी अप कर दूं या डाउन कर दूं तो मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो अगर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो